मंगलवार को सप्तमी के मौके पर हजारों की संख्या में पदयात्री मां महामाया के दर्शन के लिए पहुंचे। शाम से ही माता के दरबार में आस्था का सैलाब उमड़ा और चारों ओर माता के जयकारे गूंजते रहे। नवरात्र में सप्तमी की मध्यरात्रि में कालरात्रि की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इसी मान्यता के चलते सिद्धि प्रदान करने वाली देवी के दर्शन करने भक्तों का रेला महामाया पहुंचता है। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने अपने समर्थकों के साथ तिफरा के काली मंदिर से महामाया मंदिर रतनपुर तक पदयात्रा की। इस दौरान बड़ी संख्या में समर्थक उनके साथ रहे। उनके काफिले का जगह जगह समर्थकों ने स्वागत किया। तड़के करीब 3 बजे वे महामाया मंदिर पहुंचे और माता की पूजा अर्चना कर प्रदेश के लोगों के सुख समृद्धि व खुशहाली के कामना के। प्रत्येक वर्ष शारदीय नवरात्रि पर्व पर सप्तमी के दिन इस यात्रा हजारों की संख्या में लोग यहां पर करते हैं और इस यात्रा के पीछे सबका भाव के आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा जी इस प्रदेश के लिए, इस देश के लिए और इस क्षेत्र के लिए निरंतर उनका आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है। उनके आशीर्वाद के कारण ही ये सब संभव हो रहा है। इस नवरात्रि में शक्ति की आराधना करते हैं और आज भी हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि माता जी साक्षात हम सबको दर्शन देने के लिए मंदिर में उपस्थित होती हैं और उनसे यही प्रार्थना है कि निरंतर आशीर्वाद मिले। ये हमारा प्रदेश के 2.25 करोड़ लोगों के जीवन में खुशियाँ आए। सप्तमी की रात बिलासपुर से रतनपुर तक हजारों की संख्या में माता के भक्त नजर आए, जिनमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक शामिल थे। पदयात्रियों के लिए सरकंडा से रतनपुर तक भक्तों और स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा स्टॉल लगाए गए थे। साथ ही पुलिस व प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी थी। सड़क पर लगने वाले स्टॉल और डीजे पर प्रतिबंध लगाया गया था, जिसके चलते पदयात्रियों को सहूलियत हुई। सरकार और हम सब लोग किसानों के साथ हैं, कहीं भी उनके ऊपर असर ना हो इस सूखे का, जो उनको मदद की जा सकती है पूरे सक्रियता के साथ में प्रशासन और शासन दोनों लगे हुए हैं और हम लोग चाहेंगे कि किसानों के इस दुख के समय में या अकाल के समय में हम उनके साथ रहें और उनको किसी भी प्रकार के संकट ना आए। 2 दिन सप्तमी मनाने और पदयात्रा को लेकर प्रशासन व ट्रैफिक विभाग की चुस्त व्यवस्था पदयात्रियों के लिए राहत भरी रही और मंदिर में भी माता के दर्शन के लिए लंबी कतारें नहीं लगानी पड़ी। सिटी न्यूज़ के लिए कैमरामैन राहुल श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।